नमस्ते दोस्तों, कन्नड़ा सीखना बहुत आसान। इस वीडियो सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्नड़ा में सब्जियों के नाम क्या क्या है। बहुत बार ऐसा होता है, हम मॉल जाते हैं या सब्जी मंडी जाते हैं और वहाँ पे सब्जी खरीदने के वक्त हमें कन्नड़ा के सब्जी के नाम पता नहीं रहते, कन्नड़ा में इन सब्जियों को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जब हमें रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो सब्जी चाहिए उन सब्जियों को कन्नड़ा में क्या कहते हैं। तो पहले है, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों के नाम लिखे हैं, प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, मूली और कड़ी पत्ता। देखेंगे इनको कन्नड़ा में क्या कहा जाता है। प्याज, ऑनियन, इसे कहते हैं ईरुल्ली या उल्लागड्डे। उल्लागड्डे उत्तर कर्नाटक में इस शब्द का इस्तेमाल होता है और दक्षिण कर्नाटक में और बेंगलुरु में ईरुल्ली कहते हैं। और ईरुल्ली लिखते हैं ऐसे, यह है ईरुल्ली। ई दीर्घ, रु और ली, ईरुल्ली या नॉर्थ कर्नाटका में उल्लागड्डे। तो ईरुल्ली, ऑनियन, प्याज, यहां पे मैं लिख देता हूं ईरुल्ली, बड़ी ई, छोटी रू और छोटी ली, ईरुल्ली। आलू, आलू को कन्नड़ा में आलू गड्डे ऐसे ही कहते हैं। और बटाटे, ये उत्तर कर्नाटक में इसे बटाटे कहा जाता है और यहाँ पे दक्षिण कर्नाटक में आलू गड्डे। आलू सेम लिखना है हमें, आलू गड्डे, आलू गड्डे, ये है आलू। और एक बार यहां पे लिखता हूं आलू गड्डे, यहां पे लिखा हमने। और उसके बाद टमाटर, टमाटर को कन्नड़ा में गूदे हन्नू कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग सब्जी मंडी जाके गूदे हन्नू बोलेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कन्नड़ा में भी गूदे हन्नू का इस्तेमाल उतना नहीं है, सिर्फ यहाँ कहाँ पे किताबों में किया जाता है। लेकिन इसको, टमाटर को टोमेटो वैसे ही कहते हैं, टोमैटो, टोमैटो, टमाटर को टोमेटो ही कहा जाता है। जो इंग्लिश का शब्द है वही कन्नड़ा में भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टोमेटो भी लिख सकते हैं या टोमेटो भी लिख सकते हैं, टमाटर टोमेटो। गाजर, गाजर को कन्नड़ा में गज्जरी कहते हैं, लेकिन गज्जरी भी अभी सारी भाषाओं में ऐसे हो गया है कि इंग्लिश का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया है कि सभी सब्जियों के नाम हमें इंग्लिश में पता रहते हैं लेकिन कन्नड़ा या हमारी जो मातृभाषा है हिंदी उसमें पता नहीं रहता। तो गाजर को गज्जरी कहते हैं और कैरेट जो इंग्लिश में कहते हैं वही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन कन्नड़ा में इसे कहते हैं गज्जरी। गज्जरी, गाजर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गज्जरी, गाजर। मूली, मूली मतलब रेडिश, रेडिश कन्नड़ा में मूलंगी, मूलंगी, मू दीर्घ, ल अनुस्वार और छोटी गी, मूलंगी। और उसके बाद कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को हम लोग कन्नड़ा में करी बेवू, करी बेवू, क छोटी वाली री, बे और वू, करी बेवू। करी मतलब काला, काली, बेवू मतलब नीम, करी बेवू। लेकिन करी और बेवू को अगर मिला देंगे करी बेवू हो जाएगा, करी बेवू मतलब कड़ी पत्ता। तो ये है कुछ सब्जियों के नाम, और सब्जियों के नाम अभी देखेंगे।
तो यहाँ पे और थोड़े सब्जियाँ हैं, मक्का, धनिया, गवार, मिर्च, शिमला मिर्च और मेथी। देखते हैं कन्नड़ा में इन सब्जियों को क्या कहा जाता है। मक्का मक्के जोड़ा, मक्के में के जो ल, इसे मक्का, मक्का हमारा मक्के जोड़ा। तो यहाँ पे मैं और एक बार लिख देता हूँ, मक्के जो ल, मक्के जोड़ा मक्का। धनिया, धनिया हरा धनिया, कोत्तंबरी, कोत्तंबरी सोप्पू, कोत्तंबरी ऐसे लिखते हैं, को तो को और एक वत्तक्षर, अनुस्वार ब और ऋस्व री, कोत्तंबरी। इसे कोत्तंबरी भी कहते हैं, कोत्तिंबिरी। थोड़े से प्रदेश से प्रदेश जहाँ पे हम जाते हैं कर्नाटक में, थोड़ा इसका जो उच्चार है वो बदलता है, लेकिन ज़्यादातर इसे ग्रांथिक अगर देखेंगे कैसे लिखा जाता है तो कोत्तंबरी इसे ऐसे लिखते हैं, कोत्तंबरी, कोत्तंबरी, कोत्तंबरी सोप्पू। गवार, गवार को हम लोग कन्नड़ा में चौड़ी काई ऐसे कहते हैं, लिखा जाता है चौड़ी का ई, चौड़ी का ई, चौड़ी का ई, गवार, चौ ली का ई, चौड़ी का ई। मिर्च, मिर्च मेणसिना का ई, मे न सी न का ई, मेणसिना काई, मेणसु, मेणसु मतलब मिर्च, मेणसिना काई जो लाल मिर्च अगर है तो केम्पू मेणसिना काई, केम्पू मतलब लाल, केम्पू मेणसिना काई, सिर्फ अगर मिर्च है तो मेणसिना काई। शिमला मिर्च दप्प मेणसिना काई या दोड्ड मेणसिना काई, शिमला मिर्च दप्प, दप्प मेणसिनकाई, दप्प मेणसिनकाई, दप्प मतलब दुबला, दप्प मेणसिनकाई या दोड्डा, दोड्डा मतलब बड़ा, दप्प मेणसिनकाई शिमला मिर्च। मेथी मेंथ्या सोप्पो, मेंथ्या, मेंथ्या सोप्पो, यहाँ पे मैंने लिखा है मेंथ्य, हिंदी में अगर पढ़ता है तो यह हो जाएगा मेंथ्य, लेकिन इसको उच्चार करना है मेंथ्या, मेंथ्या सोप्पू मेथी। मक्का मक्के जोड़ा, धनिया कोत्तंबरी, गवार चौड़ीकाई, मिर्च मेणसिनकाई, शिमला मिर्च दप्प मेणसिनकाई, मेथी मेंथ्या सोप्पू। यह है और थोड़े सब्जियां, देखेंगे और सब्जियों को क्या कहा जाता है। तो और थोड़े सब्जियां यहां पे है, अदरक, भिंडी, बैंगन, कद्दू और करेला। अदरक शुंठी, शु अनुस्वार और ठी शुंठी। भिंडी, भिंडी को बेंडेकाई, लेडीज फिंगर जिसे कहते हैं उसे बेंडेकाई कहते हैं। बैंगन बदने काई, ब द ने काई, बदने काई बैंगन। कद्दू कुंबल काई, कु अनुस्वार ब ल काई,
कुंबलकाई, कद्दू पम्पकिन, करेला हागलकाई, हागलकाई। तो ये है करेला। तो यहाँ पे हमने लगभग 10-15 सब्जियाँ कवर की है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई सब्जी मैंने छोड़ दी है या आपको लगता है कि उसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं आपको पता नहीं है, थोड़े सब्जियां ऐसे भी है जो एग्जॉटिक सब्जियां हैं जो मार्केट में मिलते हैं, मॉल्स में मिलते हैं, जिन्हें शायद कन्नड़ा के नाम या हिंदी के नाम ओरिजिनल नाम नहीं रखे गए होंगे, लेकिन भाषा ऐसी एक चीज़ है जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है और इवॉल्व होनी चाहिए। अगर भाषाओं में नए शब्दों का आगमन नहीं होता तो वो भाषा वहीं पे ठहर जाती है, उसका विकसन नहीं होता। तो यहाँ पे और सारे जो सब्जियाँ हैं जो विदेश से आई है या इस जियोग्राफी में या कर्नाटक के जियोग्राफी में जिन्हें उगाया नहीं जाता, वैसे अगर कोई सब्जी है आपके मन में आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में उसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसे कन्नड़ा में क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग कन्नड़ा में कुछ फलों को, फलों के नाम क्या है और उन फलों को क्या कहा जाता है ये देखेंगे। तो ये वीडियो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।